दोस्तों आज आपके सामने Redmi 4 की अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं। ये 64GB है ब्लैक कलर में, ये इंडिया में पहली बार ही आया है, तो नहीं शुरू करते हैं। ये अमेजोन पे ऑर्डर किया था, तो इसका पैकेट ओपन करते हैं। तो ये दोस्तों इसको ओपन करते हैं। सील पैक है, इसके साथ एक डेटा केबल, चार्जर और मैनुअल है। ये एक सिम डालने के लिए पिन, तो इसकी लुक तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी देखने में। जस्ट एप्पल जैसी लुक दी रखी है। देखिए दोस्तों, लुक वाइज जो 32GB और 64GB में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसकी जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है, इसकी बैटरी जो है वो नॉन रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट इसमें बैटरी डली हुई है, तो जैसे इसको आप पावर बटन से ऑन करेंगे इतने में हम मैनुअल देख लेते हैं। जो वारंटी पीरियड के बारे में इसको सारा बता रखा है, चार्जेस, चार्जर, बैटरी और ईयरफोन वगैरह के बारे में। ईयरफोन नहीं दे रखा है। और इसका मैनुअल है, इसमें सिम के बारे में बता रखा है, इसमें सिम कैसे चलेगी। जी हाँ, ये डुअल सिम है, और एक SD कार्ड डाल सकते हैं या फिर माइक्रो सिम डाल सकते हैं। यहाँ स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है।
इसे मैं वाईफाई से कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी इसमें सिम कार्ड नहीं डाली गई है तो ये सिम कार्ड इंसर्ट करवाएंगे। तो इसमें सिम इंसर्ट करेंगे। ये पिन दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, इसमें एंटर करेंगे, पुश करेंगे, सिम यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो स्लॉट दे रखे हैं। या तो आप दोनों में सिम डाल सकते हैं या एक में मेमोरी कार्ड और एक में सिम डाल सकते हैं। तो फर्स्ट सिम में मैं सिम डालने वाला हूँ, फर्स्ट स्लॉट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम आ चुकी है। अभी गूगल ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे आप, मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैंने इस ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे आप, मैं अकाउंट पे कह रहा है आप डाल सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, अभी स्किप कर दूंगा। ओके ओके वेरीफाई अलाउ आईडी और फिंगरप्रिंट्स, अगर फिंगरप्रिंट डालना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट लगाएंगे आप। पीछे की साइड आपके फिंगरप्रिंट देख रखा है। अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लगा सकते हैं। कंफर्म एड योर फिंगरप्रिंट लगाएंगे आप, सक्सेसफुल हो गया है। फिंगरप्रिंट का नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, अभी इसमें डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट बन रहेगा। डन, नेक्स्ट। और आप एक भी कोई भी थीम लगा सकते हैं इनसे, डिफॉल्ट जो थीम है वह भी लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद में चेंज करूँगा। तो सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसकी सेटिंग में जाके आपको दिखाएंगे कि इसकी स्पेस कितना है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जस्ट होल्ड, ये डिफॉल्ट एप्स जो हैं अभी लोड हो रही हैं। दोस्तों अभी इसकी जो कीमत है वो है, अब बिल दिखा सकता हूँ मैं आपको इसका। जो जो अभी अमेजोन पर आपको मिलेगा इसकी अभी जो कीमत है वो 10,998 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST। तो हाँ जी देखते हैं, स्टार्ट हो चुका है, अभी लोडिंग पे है, सॉरी। फर्स्ट टाइम दोस्तों ये टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जितने भी एप्लीकेशन है वो सारी इंस्टॉल होती हैं। इसके साथ MI कभी भी ईयरफोन या फिर गार्ड या फिर बैक कवर नहीं देता कभी भी, तो आपको ये परचेज ही करना पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। MI की सर्विस अच्छी है और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अच्छी है, लो बजट में अच्छा फ़ोन दे रहा है MI। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप ले सकते हैं।
सर्विस ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें डिफॉल्ट ऐप्स हैं, तो आप सेटिंग में देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वाओ फोन, डिवाइस नेम रेडमी है, डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं इसको। मॉडल नंबर रेडमी 4, वर्जन इसका है 6.0.1 MMB 29M और CPU इसका 1.40 GHz का है। RAM 4GB है, इंटरनल मेमोरी इसमें है 64GB, जिसमें से आपको 54.97GB अवेलेबल मिलेगी। बाकी इसमें एक दोस्तों एक चीज़ अच्छी है जो MI देता है, वो आता है सिस्टम अपडेट्स की। जब भी कोई नया अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आती है, आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।